नीलम तिवारी, आप देख रहे हैं सत्यवार्ता टीवी न्यूज। सत्यवार्ता टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। 12 तारीख को श्रम कार्ड का कैंप यहाँ पे लगाया गया था। जिन लोगों के यहाँ पे कैंप पे जो एंट्री किया था, उन्होंने जो कार्ड बनाया है उनका सबके कार्ड आए। अर्पण रमेश पाटिल काम चलता है, पैसे का कोई लेन देन नहीं चलता है अभी, इसलिए कार्ड हम लोग बना के मैं खुद हमारे शाखा के सब अधिकारी है उनसे सामने अपने को एक कार्ड स्वाति राम हो वरिष्ठ नगर सेवक व माजी उपमहापौर मनोज काटेकर और वरिष्ठ नगर सेविका वंदना ताई मनोज काटेकर द्वारा लगभग 900 ई श्रम कार्ड का किया गया वितरण। बता दें कामत घर क्षेत्र के श्रमिक जनता को सरकार द्वारा दिए गए योजनाओं का लाभ मिले, इसीलिए पिछले कई दिनों तक ई श्रम कार्ड बनाने का कामत घर शिवसेना शाखा पर शिविर लगाया गया था, जिसमें लगभग 900 लोगों ने इस शिविर का लाभ लिया था। इन सभी लोगों का शिवसेना शाखा में वरिष्ठ नगर सेवक व माजी उपमहापौर मनोज काटेकर, वरिष्ठ नगर सेविका वंदना ताई मनोज काटेकर के नेतृत्व में शिवसेना के कई पदाधिकारियों की उपस्थिति में ई श्रम कार्ड वितरण करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। हमारे कामत घर इलाके में मजदूर और कामगार बहुत ज़्यादा संख्या में रहते हैं। केंद्र सरकार मार्च के अनुसार जो ई श्रम कार्ड जो कामगार के लिए दिया जाता है, उसका हमने दिसंबर 12 से लेके 20 तारीख तक इसका आयोजन किया था संपर्क करने के लिए। जिन जिन लोगों ने संपर्क किया था उनके कार्ड जो बन के आए हैं, लगभग 650-700 कार्ड लगभग बन के आए और कुछ बाकी है, तो सभी कार्ड आज हम लोग यहाँ पे जिनके नाम के आए उनके आयरन करके दे दिए। ई श्रम कार्ड का मूल उद्देश्य यही है कि जो हमारे भिवंडी शहर में रोजगार के लिए हमारे यहाँ पे आए हैं उनके लिए कोई भी सुविधा नहीं, जहाँ कंपनी में काम करते हैं, तो ये ई श्रम कार्ड का उनको लाभ उठाने के लिए इनके तक ये शासन की योजनाएँ हैं उन पहुँचाने के लिए हम लोग काम करते हैं। इनको इसका फायदा और लाभ उठाना चाहिए, ये हम कहते हैं। और हम लोग यहाँ पे जो काम करते हैं कि ई श्रम कार्ड में कोई जात पात नहीं देखते, जिन्होंने काम लिया उन्होंने नाम दिया उनका नाम आया, कार्ड हम लोग बांट दिए सभी लोगों को। इधर कार्ड जो नहीं आया उनका कार्ड मंगाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य कि लोगों के लिए सुविधा जो शासन ऐलान करती है वो सुविधा उनके पास पहुँचनी चाहिए, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। जो अभी बचे हुए लोग हैं उनके लिए आगे क्या कुछ रहेगा? बचे हुए लोग हैं उनको सबको कार्ड मिल जाएंगे, क्योंकि आधे मतलब 25% कार्ड बाकी है। जिसने ई श्रम कार्ड का हम लोग जो निर्णय किया था उनके बाद 25% बाकी है, वो भी अगले संडे को उनको मिल जाएगा। टोटल ई श्रम कार्ड कितना बनाया आपने अभी? लगभग 850-900 ई श्रम कार्ड बनाए। बोले थे लोगों अब एक महीने के अंदर हम लोग तुमको ई श्रम कार्ड ला के देंगे, वो मुताबिक हम लोग एक जो हम लोग वादा किए थे वादा पूरा करके इनको हम लोग ई श्रम कार्ड का ऑर्डर किए। इसी तरह सबसे पहले खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।